वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज़ हो चुका है और हम इस समय मुख्य जो आयोजन स्थल है हस्तकला संकुल वहाँ मौजूद हैं यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय आए हैं उनको यहाँ की संस्कृति सभ्यता से रूबरू कराने के लिए यहाँ पे तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं हम इस समय फूड स्टॉल्स पर मौजूद हैं जहाँ पर सांस्कृतिक जो यहाँ की कल्चर व्यवस्था है उसके अलावा यहाँ के खान पान को दर्शाने की कोशिश की गई है अब देखिए ये काशी की मलै है जिसको वाराणसी में बड़े ही चाव से खाया जाता है अपने आप में इसका स्वाद बड़ा अद्भुत होता है दूध की बनी होती है दिखने में काफ़ी हल्की होती है लेकिन एक कुल्लड़ खाने के बाद आपको यह एहसास होगा कि शायद आपने कुछ खाया है किस तरह से आप देखिए यहाँ पर लस्सी लाइव तैयार हो रही ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगहों पर होता है फ्रिज में रखी रहती है उसको निकाल कर दे दिया जाता है लेकिन यहाँ पर आने वाले जितने मेहमान हैं उनको खान पान से रूबरू कराने के लिए क्योंकि कहा जाता है बनारस का जो स्वाद है वो पूरे देश में जाना जाता है विदेशों में जाना जाता है शायद यही वजह है कि यहाँ पर आने वाला हर शख्स इस स्वाद को चखना जरूर चाहता है और वाराणसी आए और पान ना खाए तो शायद आपका जो वाराणसी की यात्रा है वो अधूरी होती है और ये वाराणसी की यात्रा के तहत ये देखिए वाराणसी का पान यहाँ पर पूरी व्यवस्था अभी पान का स्टॉल लग रहा है और आप देखिए किस तरह से पान वालों को जो एक ट्रेडिशनल लुक है उस लुक में रखा गया ये देखिए वाराणसी का पान इसकी खासियत है यहाँ पर पान खाने के बाद जो आपके मुंह का स्वाद है वो चेंज होता है और जो यहाँ पर आने वाले मेहमान हैं वो तमाम खाने पीने की चीज़ों का लुफ्त ले रहे हैं भैया ये क्या है ये किस चीज़ का काउंटर है क्या क्या है यहाँ पर सर ये गांव का गोइठा है और ये साए गुलकंद का खीर है जो स्पेशल बनारस में हर जगह नहीं मिलता है ये गुलाब की पंखुड़ियों से बनाई जाती है सर ये यहाँ का स्पेशल डिशेस है आप देखिए किस तरह से ये जो गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाली गुलकंद की खीर आप नाम भी देख सकते हैं सामने जो यहाँ आने वाले मेहमान हैं उनके लिए ये चीज़ें विशेष तौर पर सजाई गई हैं और ये गोइठा है आप देखिए ये गोइठा है ये, ये ग्रामीण परिवेश की ये सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं और वाराणसी आने वाले मेहमानों को ये चीज़ें निश्चित तौर पर अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि जो अपने देश की मिट्टी से दूर हो चुके हैं अपने देश की मिट्टी से दूर रह रहे हैं वो जब वाराणसी आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ खले या ना खले लेकिन ये ज़रूर खलता है कि उनको बनारस का स्वाद मिले उनको अपने देश का स्वाद मिले और यही वजह है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हस्तकला संकुल में ही ये सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं गोपाल मिश्र ई वाराणसी